गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका लॉजिक समझिएगा यहाँ क्या है। ये एक रिलेशन है जहाँ पे मेरा y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 है, और एक चीज़ और उसने बोला है कि जो आपका x है वो 4 से छोटा होगा। आपका x 4 से छोटा होना है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो यहाँ पे रिलेशन जो भी लगा है वो रिलेशन r लगा है ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे यानी सारे नेचुरल नंबर्स ही होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे लगा हुआ है, तो एक तो इस पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और दूसरा, x मेरा 4 से छोटा है। तो क्लियरली अगर x मेरा 4 से छोटा है तो इस रिलेशन में कौन कौन आता है। अगर मैंने x को 1 लिया, देखो बेटा x को मैं 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरा रिलेशन बनेगा वो सिर्फ नेचुरल नंबर से बनेगा। तो यानी मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर ही x और y की जगह पुट कर सकते हैं। तो जैसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो अगर मैंने x को 1 लिया तो y आ जाएगा 6। सिमिलरली अगर मैंने x को 2 लिया तो y आ जाएगा यहाँ पे 7, और x को अगर मैंने 3 लिया तो y आ जाएगा 8। और 4 से नीचे ही लेना है तो आई कैन नॉट पुट x इज इक्वल्स टू 4। सो आई होप ये रिलेशन हमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पहला ये रिलेशन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब बात चल रही है यहाँ रिफ्लेक्सिव कोई कब होता है, जब आइडेंटिकल एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट उस रिलेशन में हों। फॉर ऑल, जितने भी ये जो एलिमेंट्स निकल रहे हैं वो सेट ए को बिलोंग करें, ठीक है। तो यानी सारे के सारे एलिमेंट्स का पेयर यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 1 6 है, 2 3 है, 3 8 है, बट क्लियरली यहाँ पे अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 होना चाहिए था। तो 1 1 इस रिलेशन में नहीं है, तो द फंक्शन और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया, ठीक है। फिर चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का रूल बड़ा सिंपल है, अगर किसी को सिमेट्रिक होना है तो ए का रिलेशन बी से होना चाहिए और बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे आपको 1 और 6 इस रिलेशन में दिख रहे हैं, बट जो 6 और 1 को भी इस रिलेशन में होना चाहिए था, क्योंकि अगर ए और बी इस रिलेशन में है, यानी 1 और 6 अगर है तो 6 और 1 को भी होना चाहिए था, लेकिन 6 और 1 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी तक दो पॉइंट आपने देखे, 1 6 है लेकिन 6 1 को होना चाहिए था, यहाँ पे 1 1 मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को सरप्राइज़ होता है कि सर जब हम इसको ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो ऐसा क्या कंडीशन लग जाता है। देखिए बेटा, कोई भी रिलेशन तभी ट्रांजिटिव होगा अगर ए और बी उस रिलेशन में होता है, बी और सी भी उस रिलेशन में होते हैं। तो अगर ए बी और बी सी उस रिलेशन में हैं तो ए और सी को भी उस रिलेशन में होना पड़ता है। और अगर ये कंडीशन आपको गिवन नहीं है, अगर इनमें से एक भी मिसिंग है, अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है, एनीवन, कोई भी एक अगर इसमें मिसिंग है या दोनों मिसिंग होते हैं, तब भी ट्रांजिटिव होता है। इसका मीनिंग क्या है वो आप समझिए। यहाँ पे आपके रिलेशन में 1 6 है, आपके रिलेशन में 1 6 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जो कि 6 से स्टार्ट हो, है ना। मैंने क्या बोला था, ए बी और बी सी को होना चाहिए। तो क्लियरली आप देख सकते हो 1 6 तो है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है कोई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 2 7 के लिए भी चेक करना है, हमें सब एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। 2 7 है तो क्या ऐसा नंबर है कोई जो 7 से स्टार्ट हो रहा हो, वो भी नहीं है।
थ्री एट को देखिए, सारे एलिमेंट्स ये सारे ऑर्डर पेयर के लिए चेक करते हैं बेटा आप। थ्री एट देखिए कि कोई ऐसा दूसरा पेयर है जो एट से स्टार्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे इनमें से एक चीज़ तो गिवन है, ए और बी तो इन रिलेशंस में दिख रहा है लेकिन बी और सी टाइप के इस रिलेशन में है नहीं, यानी यहाँ पे कोई भी एक मिसिंग वाला फैक्टर आ गया। तो जब भी ऐसा कभी होता है कि जैसे सिर्फ आपको ए बी दिखा, आपको सिर्फ ए बी दिखा, बी सी नहीं दिखा इस किसी भी एलिमेंट के लिए, इन डेट केस टू ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है क्योंकि बेटा यहाँ पे 162738 तो है लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रांजिटिव कब नहीं होता, अगर यहाँ पे 16 है, कोई दूसरा रिलेशन लेट से यहाँ पे 63 होता, ठीक है, तो आइडियली 1 और 3 को होना चाहिए था। अब अगर 1 और 3 यहाँ पे होते तब तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, और 1 और 3 नाम की चीज़ यहाँ नहीं होती तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस थ्योरी, होपफुली ये ट्रांजिटिव क्यों है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।